रिएक्शन रील्स। हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन रील्स। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है मुंबई सिटी, मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ इंडिया। ये इमर्जिंग इंडिया की जो है ये वीडियो है उनकी। तो पहले, इससे पहले भी हाँ काफ़ी जो है सिटीज़ पे हमने रिएक्ट किया है, मुंबई पे आई थिंक पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये ज़रा लेटेस्ट वीडियो है तो मैंने सोचा कि इस पे रिएक्शन देना चाहिए। तो सो गाइस, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं। दोस्तों, ये है मुंबई जो भारत देश का दूसरा और आबादी के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ऐसे मुंबई माया नगरी, आमची मुंबई जैसे कई और नामों से भी जाना जाता है, तथा आज ये शहर भारत की सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाली सिटीज में से एक है, जिसके कारण इस सिटी को इंडिया का फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी के हेडक्वार्टर से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के कारण ही इसे पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिला है। मुंबई शहर के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आज के समय में लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, एवं 2011 में हुए जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर है, तथा लिंगानुपात के मामले में यहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर 930 महिलाएं पाई जाती हैं, और यहाँ की लिटरेसी रेट 84% है। साथ ही साथ यहाँ पर ज्यादातर मराठी एवं हिंदी में बात करने वाले लोग रहते हैं। इस शहर को भारत का एंटरटेनमेंट एवं फाइनेंशियल राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर पुराने समय से कई बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र का हब है। साथ ही साथ भारत की सबसे पहली ट्रेन भी इसी शहर में चलाई गई थी। एक फैक्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये शहर 7 टापुओं से मिलकर बना हुआ है। आज के समय में मुंबई पूरे विश्व में तेजी से उभरता हुआ एक शहर सामने आया है, जो कि $430 बिलियन GDP के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्था है। अगर हम मुंबई शहर के इकोनॉमिक सोर्सेज की बात करें तो यहाँ की मेजर इकोनॉमी एंटरटेनमेंट, फैशन, कमर्शियल और यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आधारित है। वहीं पर हमारे भारत के लगभग 80-90% स्काई स्क्रैपर्स जो कि मुंबई में मौजूद हैं, जो यहाँ के स्काई स्क्रैपर में 4 चांद लगा देती हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वर्तमान समय में मुंबई शहर को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है, जिनमें कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और फ्यूचर की कई और मेगा प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जो आने वाले समय में मुंबई शहर को और भी आधुनिक शहर बना देगा। भारत का सबसे महंगा होटल ताज होटल भी इसी शहर में मौजूद है। यह शहर रहने के लिहाज से बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े बड़े पार्क, मॉल एवं सिनेमा घर हैं। इस शहर के नाइट लाइफ बेहद ही अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पर पब, क्लब एवं स्पा है, जहाँ पर पूरे रात पार्टी चलती रहती है। इस शहर को टूरिस्ट का हब भी माना जाता है, जहाँ पर हर साल हजारों सैलानी मुंबई शहर का दीदार करने आते हैं। शहर में घूमने लायक प्रसिद्ध जगहों में से एक है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आने पर करवाया गया था। मुंबई के भीड़ भाड़ से दूर स्वच्छ हवा में शांति के कुछ पल बिताने के लिए मुंबई में सबसे बेस्ट घूमने लायक जगह में से एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित है। दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क जो शहर के भीतर स्थित है, इसे मुंबई की स्वच्छ हवा का केंद्र कहा जाता है। इस नेशनल पार्क में लोगों को जंगल की सैर कराने के लिए एक हरे कलर की बस किनारे पर लगी रहती है, जो पूरे जंगल का टूर कराती है। इसी तरह कई और अन्य जगह मुंबई शहर में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ के खाने की बात करें तो यहाँ के लोग ज्यादातर भेलपुरी, पानीपुरी, सेब पूरी एवं स्वीट साइट में बड़ा पाव, कबाब, पाव भाजी का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुंबई शहर की दास्तान। सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो मुंबई सिटी पे। तो डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट जो है देखने में ही, मतलब सिटी को देख के ही समझ आती है, देखने से ही पता चलता है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है। वैसे भी इंडिया के जितने भी सारे भी शहर हैं, काफ़ी शहरों पे हम लोगों ने रिएक्शन दिया हुआ है, आप हमारी वीडियोस देख भी सकते हैं। तो मुंबई पे पहले भी कर चुके हैं हम रिएक्ट, लेकिन है कि ये जो ज़रा लेटेस्ट वीडियो थी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि इस पे भी जो है रिएक्शन जो देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हमें लोगों ने ये भी बोला था कि आपकी वीडियो जो है थोड़ी पुरानी है, थोड़ी नई वीडियो लाएं। तो अलबत्ता देखा जाए तो पूरी वीडियो में जो देखने को मिलता है कि हर शोभा दिखाया गया है कि
कि किस हिसाब से जो है वो ये जो शहर है तरक्की करता जा रहा है। तो आप रोड्स देख ले, और इनके मतलब के प्रोजेक्ट्स होंगे भी जो आने वाले भी होंगे जिन पे काम हो रहा होगा। रोड्स इनकी देख लें कि मतलब सिटी की कितनी अच्छी वो मज़े की दिखाई दे रही थी। और जो नाइट व्यू जो इसका जो ड्रोन व्यू उसका दिखाया गया हो, जो नाइट व्यू है इसका, ये तो बहुत ही मज़े का था। बिल्डिंग्स है ऐसे मतलब के रोज़गार के हवाले से भी, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी जो है ये सिटी जो है माना जाता है कि यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट के अच्छे जो है सोर्सेज हैं। तो वैसे देखा तो नहीं है कभी रियल में, लेकिन मूवीज वगैरह में भी देखो तो अक्सर जो है ओल्ड मूवीज में भी देखने को मिलता था ये कि जो है यहाँ पे कमाने के बहुत से तरीके हैं और बहुत से सोर्सेज हैं यहाँ पे मुंबई शहर में। तो देख मतलब कि वो माइंड में एक चीज़ बैठी हुई है कि ये मतलब कि बहुत अच्छा सिटी है, क्योंकि देखा जाए तो पहला मुंबई नाम माइंड में आते ही समझ आती है कि हाँ जाना पहचाना सा नाम है। तो और चीज़ों की बात की जाए तो एंटरटेनमेंट के हवाले से भी जो है कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सिनेमाज भी हैं एंटरटेनमेंट, और क्लब्स वगैरह है, और स्पा वगैरह मतलब के हर चीज़ है आपके लिए। और दूसरे के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा सिटी है कि वो लोग भी यहाँ पे आते हैं और इंजॉयमेंट वगैरह जो है इनकी के सारी रात जो पार्टीज वगैरह चलती रहती हैं तो सब चलता रहता है। और खानों की बात की जाए तो खानों में कुछ खाने वहाँ के जो है यहाँ हमारे पाकिस्तान से भी जो है थोड़े बहुत मिलते हैं। तो उसमें लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका नाम सुना हुआ अभी तक खाए नहीं हुए। तो मतलब कि हर हिसाब से, हर लिहाज से जो है वो सिटी जो है प्रोग्रेस कर रहा है। आप यहाँ की आबादी देख ले, लिटरेसी रेट जो है वो यहाँ का 84% है। लिटरेसी रेट के हवाले से ये कि अब एक पढ़ा लिखा जो है मुल्क, एक पढ़े लिखी जो पॉपुलेशन है वो ही लेके आगे चलती है। प्रोग्रेस वही उन्हीं के थ्रू जो है प्रोग्रेस वगैरह होती है। जहाँ पे जितने पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ पे ज़्यादा तरक्की होगी, वहाँ पे ज़्यादा मौके होंगे कि वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे। और अब कितना इस पे बोला जाए उतना ही कम है। बहरहाल पूरी वीडियो मैंने देखी, पूरी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और आइंदा भी मैं और सिटीज़ पे भी रिएक्ट करूँगी। आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप अपने सिटी का भी बताइएगा कि जिस पे रिएक्शन देना हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो उस सिटी पे भी मैं रिएक्ट करूँगी। तो मुंबई का मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो देखा नहीं है लेकिन एक वीडियो के थ्रू सारा जो है ना घूम लिया। तो सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।